And we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? Challenges aayenge, kuch acha kaam karne jaoge, to do log aapke against honge. Koi dikkat nahi hai. Aaj jo against hai na, manager ban jao. Piche piche bhagte hue aayenge. This business is just about 4 CCs and duplication of 4 CC. जब तक आप 4 CC को strong point नहीं अपने मन में अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पति का पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे, बहुत सारी उम्मीद लेके आए होंगे। एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं इंटरव्यू करूँगा हमारे कुछ चुनिंदा लीडर्स को, और उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले आज हमारे लिए प्रोग्रेस के दिन तो है ही है,
बट मैं चाहूंगा कि हम इस दिन रेक सर जो कंपनी के फाउंडर हैं, एफएलपी ग्लोबल के फाउंडर हैं, एफएलपी इंडिया के फाउंडर हैं, जो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, पिछले महीने वो अपनी अंतिम यात्रा पृथ्वी पे पूरी करके ऊपर वाले के पास चले गए हैं, जितना कि हम उनकी ना मौजूदगी से थोड़े निराश हैं, हताश हैं, बट जो उनकी आज लेगेसी वो जो हमें हैंडओवर करके गए हैं ग्रेग सर के द्वारा, हमें उसे आज बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, ताकि हम उनके वो जो सपने थे हम उनको आगे अगले 40-42 वर्षों में उनको पूरा कर सकें, और जो हमें ये बिजनेस लेगेसी में प्रदान हुआ है हम उसको उनकी विजन के हिसाब से उसी तेजी से, उसी जोश से, उसी उम्मीदों से आगे बढ़ाते चले जाएं। तो मैं चाहूंगा कि आज का सेशन हम उनके नाम डेडिकेट करते हैं। मैं ज्यादा सेंटिमेंटल तरीके के साथ इस सेशन को उनको डेडिकेट नहीं करना चाहता, मैं इस सेशन के जो अंतिम रिजल्ट्स हैं उनके द्वारा उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। मेरी उम्मीद है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे, देखेंगे, और आज वो जहां भी होंगे हम उनको एफएलपी इंडिया की, भारत की ताकत का अंदाजा करवा देंगे। दोस्तों, सो आज का सेशन शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, सर रेक्स जी को डेडिकेट करते हुए। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस सेशन में। इसमें इस सेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं। आज सबसे पहला कंपोनेंट है नवाज मैम, जो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से भारत विजिट नहीं कर पाई हैं। आपको मालूम है किन्हीं कारणों से सारे इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर आजकल रोक लगी है, तो उनकी कमी हमें अब खलने लग गई थी भारत में। तो हमने आज के सेशन के लिए उनसे बोला कि एक स्पेशल मैसेज हमें रिकॉर्ड करके भेजिएगा। वो एक हम आपके लिए बहुत अच्छा एक तोहफा लेके आए हैं सेकेंड सेशन में, आप सब के लिए एक और अवार्ड हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं आज के दिन। तो आप दिल थाम के बैठे रहिएगा, नवाज मैम उसका एक ब्रीफ सा झलकी आपको देंगी अपने मैसेज में, समझने वाले शायद उसको पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे, बट उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा उस अवार्ड के मोडस ऑपरेंडी पे। उसके बाद आज जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन आंसर का, हमारे तीन पैनलिस्ट हैं, एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, उनमें से दो व्यक्ति हमारे बड़े पुराने लीडर्स हैं और एक हमने यंग लीडर को उसमें सॉर्ट ऑफ इनवाइट किया है। तो आज वो उन तीनों लोग अपने इस सेशन में आप लोगों से रूबरू होंगे, अपनी अपनी कहानी मेरे सवालों के द्वारा वो आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होगा और आपकी जिंदगी में बहुत सारे जो सवाल जवाब आपके मन में किसी ना किसी समय पे आते होंगे उनको दूर करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं नवाज मैम का एक शॉर्ट संक्षिप्त मैसेज आप सबके लिए, एफएलपी इंडिया के लिए। विकास, हेलो एवरीवन, फॉर दोज ऑफ यू हु मे नॉट नो मी, माय नेम इज नवाज गासवाला एंड आई एम द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एंड प्राउड टू बी स्पीकिंग टू यू फ्रॉम आवर होम ऑफिस इन स्कॉट्सडेल एरिज़ोना। Firstly, I wanted to say thank you for all the wonderful messages that we have received since the passing of our founder and dear friend, Rex Mann. It has been a very difficult time, and we will never forget Rex's vision, his courage,
his hard work, and above all, his passion for all of you. As Rex's wife Ruth told us during his celebration of life, some of Rex's last words were, "Please take care of the people," and we will. His passing is a great loss. However, we will work hard to continue Rex's legacy and provide amazing products and an incredible business opportunity to everyone who needs Forever in their lives. As Greg said a few days ago, the world needs Forever more than ever before. The pandemic has changed millions of lives, but Forever has remained a constant. Countries like India have had massive lockdowns, but we have continued to pay bonuses on the 15th of every single month. Rex's passing only makes us more determined to work hard for all of you. And in fact, in Rex's memory, we are challenging all of us to double our efforts, double our passion, double our desire to help others, and double our love for this great company. Hashtag 2X for Rex is our challenge, and we are asking everyone, all of you, our staff and executives, to rise to the challenge and double our efforts for 2X for Rex. I'm very excited to congratulate the India leadership team, as I know that they will be leading from the front in supporting our company policies and continuing Rex's legacy. The key areas of focus that Harish, the country staff, and the new India leadership team and I will be working on are the challenges that the Indian market faces on a daily basis. Like any business, these are many, and it is our responsibility to understand the challenges, address them, and improve our offering consistently. I want to assure you that we are working this every single day. We're working diligently to address those people who are undercutting and selling our products at discount prices. This is bad news for everyone. It undermines our business and the opportunity for all of you. For that reason, it is against company policy, and we have already taken action against those who are discounting, and we will continue to do so. Forever is about doing the right thing, treating others with respect, and having integrity. We are dedicated to helping others, and in turn, that helps us to provide for our families. That is the Forever way. So thank you for your time today, and thank you all for listening. Congratulations to all of you who are building a strong and ethical business. Keep helping others, keep working hard, keep using and sharing the products, and let's all commit to 2X, 4X. Thank you. Dosto, so hashtag 2X, 4X. I think message bada loud and clear hai. Hame, jo aaj hum hai, jahan pe jis mod pe hai, हमें उसको इस साल के एंड तक अगले साल या अगले एक दो सालों में अगर हम अपने आप को डबल नहीं करते आपको मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूं मुझे लोग बताते हैं कि सर हम कंपनी को नंबर वन पे पहुंचा देंगे हम कंपनी को एफएलपी इंडिया को नंबर वन पे पहुंचा देंगे नंबर टू पे पहुंचा देंगे दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप कंपनी के बारे में ना सोचें ऑनेस्टली आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं आप कंपनी के बारे में मत सोचिएगा आप सिर्फ सोचिएगा कि अपने आप को 2x कैसे करना है जिस दिन आप सब लोग जो आज ऑडियंस में बैठे हमें देख रहे हैं 2x हो जाएंगे वो तो गारंटी है ना दोस्तों कि एफएलपी इंडिया 2x अपने आप ही हो जाएगी सो अपने फोकस को डाइल्यूट मत करिएगा आप ये मत सोचिएगा कि आप कंपनी के ऊपर कोई फेवर कर रहे हैं आप अपने लिए लड़िएगा आप अपने लिए बात करिएगा अब अपने लिए काम करिएगा फ्यूचर में तो कंपनी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों राइट
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में हमने एक थोड़ा सा अपने वर्किंग में एक चेंज लेके आने की कोशिश करी है। आप सबने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ग्लोबल लीडरशिप टीम। ये ग्लोबल लीडरशिप टीम क्या है? ये ग्लोबल लीडरशिप टीम वो है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा FPOs जो एक परफॉर्मेंस लेवल अर्जित करते हैं दोस्तों, उनको हम एक ग्लोबल लीडरशिप टीम का हिस्सा बनाते हैं। और जहां पे भी हमें मौका मिलता है उस टीम को ग्लोबली पॉलिसी फॉर्मेशन में, ग्लोबली कंपनी के फ्यूचर डिसाइड करने में, उसमें भागीदारी करने का मौका मिलता है। और उन लोगों के लिए एक स्पेशल खास प्रिविलेजेस मिलती हैं, उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे ग्लोबल रैली पे वो एक अलग डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उनको कंपनी सर माथे पे बिठाती है क्योंकि वो परफॉर्मर्स हैं। दोस्तों आप समझिएगा, इस दुनिया में जहां पे रेक्स की फिलॉसफी है लव एंड कंपैशन फॉर एवरीवन, वो कहते हैं कि हमारा प्यार और हमारी जो कंपैशन है, हमारी सिंपथी है, हमारा लोगों की मुश्किलों को फील करने का जज्बा है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। वो जज्बा तो हमारे सारे लीडर्स में है ही, बट एट द सेम टाइम दोस्तों आप मानेंगे कि अगर आप एक सफिशिएंट इनकम नहीं अर्जित कर रहे हैं, एक सफिशिएंट समाज में आप रुतबा नहीं अचीव कर रहे हैं, कंपनी के अंदर एक रुतबा अचीव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो प्यार और ह्यूमिलिटी और कंपैशन फैलाने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। दोस्तों आज आप देखेंगे बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे इंडिया में, हमारे जैसे सुनील गुप्ता जी हैं, ग्लोबली जेन लीच हैं, वो इतने बड़े बड़े चैरिटेबल काम करते हैं, इतनी चैरिटीज चलाते हैं, जो उन्होंने कमाइयां करी हैं इस बिजनेस से उसको सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, सोसाइटी को लौटा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको लगता है कि जब तक आप कमाई नहीं करोगे, आप वो काम जहां पे आपका सोसाइटी में रुतबा बढ़े, आप लोग क्या वो काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। आप जितना मर्जी बोल लीजिएगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे तब तक आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, तब तक आप किसी और के लिए कुछ ज्यादा करने के सक्षम नहीं होंगे दोस्तों। सो सबसे पहले अपने आप को 2x करिएगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सीसीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही मंत्र है 2x फॉर रेक्स का। 2x, एवरीवन शुड बी टारगेटिंग 2x बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो हर कोई अपनी अपनी सक्षमता के सहारे, अपनी अपनी कॉम्पिटेंस के सहारे अपना अपना गेम प्लान बना ले कि उसने 2x एक साल में होना है, दो साल में होना है, तीन साल में होना है। तो दैट इज व्हाट द चैलेंजेस। तो दोस्तों जैसा मैं GLT के बारे में बता रहा था आपको, अब हम भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको कह रहे हैं हम इंडिया लीडरशिप टीम। है ना एक्साइटिंग बात, है ना मजे की बात। तो दोस्तों हम ये इंडिया लीडरशिप टीम जो लॉन्च करेंगे, इसके क्राइटेरिया है, इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके अवार्ड्स हैं। मैं सब आपको आप थोड़ी ही क्षणों में बताऊंगा। विकास जी आप प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। तो देखिए हमारी पहली स्लाइड, हमारे जो नेट कोर मेंबर्स थे, हमारे सो कॉल्ड इंडिया लीडरशिप टीम के हिस्सा थे, जबकि नाम उनका अलग था, नेट कोर था। ये लोग सब जब ग्रेग और एडन इंडिया आए तो सब स्टेज के ऊपर एक अलग तरह की रिस्पेक्ट के साथ, एक स्पेशल फोटोग्राफ सेशन हुआ, स्पेशल मुलाकात हुई। तो एक स्पेशल प्रिविलेजेस तो है ही है इंडिया लीडरशिप टीम को। तो अब हम इसको इंडिया लीडरशिप टीम बोलते हैं। आगे चलेंगे एक स्लाइड विकास।
ये जो लोग इंडिया लीडरशिप टीम आएगी दोस्तों, ये भारत के कुछ चुनिंदा टॉप बिजनेस लीडर्स हैं परफॉर्मेंस वाइज, उसके हिसाब से ये सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके काफी सारे क्राइटेरिया हैं, मैं आपको क्राइटेरिया आगे बताऊंगा। तो ये टीम हर साल चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन हु अचीव्स 2x फॉर एक्स। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, ये बहुत एक एमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप लोग फॉर एवर इंडिया के एम्बेसडर्स रहेंगे, चैंपियंस रहेंगे भारत के अंदर और दुनिया के अंदर। आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे इंडिया की पॉलिसीज क्रिएट करने में, प्रोडक्ट्स के बारे में इनपुट्स देने में, ट्रेनिंग्स के बारे में इनपुट्स देने में, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा FLP इंडिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। उसके लिए सबके लिए आप एक स्पेशल एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होंगे दोस्तों। तो ये एडवाइजरी कमेटी क्रिएट की जाएगी जिसका आप सब इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेंगे, और आपको अपनी अपनी आवाज कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट तक और ग्लोबल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। सो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा दोस्तों इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे आज कि इसके क्राइटेरिया क्या है और आप इसके कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके क्राइटेरिया। दोस्तों इसके क्राइटेरिया हैं, मिनिमम 3 साल आपको कंपनी में होना जरूरी है, 3 साल आपको एज एन FPOship कंपनी में कंप्लीट होने चाहिए। इस इंसेंटिव के शुरुआत के पीरियड में, और ये इंसेंटिव का क्वालिफिकेशन पीरियड रन करेगा अगस्त 2021 से लेकर जून 2022 तक। ये पहली बार लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पास 11 महीने बचते हैं, तो इस बार ये 11 महीने का पीरियड है। अगली बार से ये रोलिंग पीरियड बन जाएगा, अगली बार से ये जुलाई टू जून हो जाएगा दोस्तों। हम जुलाई में इसको लॉन्च करना चाहते थे, नहीं कर पाए किसी कारणवश, इसलिए अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं। तो इस साल अगस्त 2021 से जून 2022 तक है, अगले साल से ये जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक होगा। सो आई होप आपको ड्यूरेशन की क्लैरिटी है, यानी कि अगस्त 2021 में आप 3 साल FLP इंडिया में पूरे कर चुके होने चाहिए। दोस्तों जो इसका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बाकी सब चीजें बाद में, आपका ये जो जितने भी समय आपने FLP इंडिया में बिताया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सफेद चादर की तरह होना चाहिए। इंटेग्रिटी में, ऑनेस्टी में, एडियरेंस टू कंपनीज विजन मिशन एंड वैल्यूज में, और एथिकल वर्किंग ऑफ बिजनेस में। अगर ये चीजें मिसिंग है आपके ट्रैक रिकॉर्ड में, तो आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस अर्जित कर लें, आप इस टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे दोस्तों। सो मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडिया लीडरशिप टीम। अन्य जो क्वालिफिकेशंस है, क्राइटेरिया, मैं उनके बारे में ब्रीफली आपको बता दूं। आपको इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, यानी कि अगस्त 21 से लेकर जून 22 के दौरान, एक नया डायरेक्ट एक्टिव मैनेजर बनाना है। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिव मैनेजर की मैं थोड़ी सी, बहुत सारे पिछले अवार्ड्स में हमारे लोगों को कंफ्यूजन रही है, मैं क्लैरिटी दे दूं। दोस्तों ये जो व्यक्ति आपने प्रोस्पेक्ट करके रिक्रूट किया होगा, और जब वो डायरेक्ट मैनेजर आपका बनेगा, वो इस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में कंप्लीट होगा। नीचे से कोई मूव आप करके मैनेजर्स आए हैं, कोई आपकी लाइन मूव हुई है, कुछ भी हुआ है, वो कोई भी मैनेजर इसमें आपको क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। ये मैनेजर आपके द्वारा FLP में ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। इससे
सेकंड क्राइटेरिया दोस्तों इसमें है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एफएलपी ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज एज ए लीडर आपका रोल है कि आप एक रोल मॉडल बने और आपसे लोग सीखें, और आपकी सक्सेस को देखते हुए, आपसे उसके इम्पॉर्टेंट सक्सेस पॉइंटर सीखते हुए आगे लाइफ में वो भी ग्रो करने का मौका अर्जित करें। सो इसलिए इस पीरियड के दौरान कम से कम आपको 5 ट्रेनिंग्स कंपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद इन द क्वालिफिकेशन पीरियड की होनी जरूरी है। तो फिलहाल ये कंपनी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, और जैसे जैसे माहौल खुलता चला जाएगा, जैसे जैसे हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दोबारा से स्टार्ट होंगी, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स का भी मौका आप लोगों को मिलेगा। बट फिलहाल जब तक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं कंपनी की, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कम से कम 5 ट्रेनिंग्स जरूर करनी है इस अवार्ड के हकदार बनने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एट द बिगिनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन पीरियड, यानी कि अगस्त 2021 में अगर आप मैनेजर हैं तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई अगस्त 2021 में मैनेजर नहीं है तो व्यक्ति इस अवार्ड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि बाकी के समय में वो मैनेजर बने और इस अवार्ड के लिए अगले वर्ष ट्राई करें। आपको ये सारे के सारे 11 महीने में एक्टिव रहना है, बीट चाहे आप 4 CC एक्टिव हैं, चाहे 8 CC एक्टिव हैं, चाहे 12 CC एक्टिव हैं, आपको एक्टिव रहना है, एथिकली एक्टिव रहना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। जी हाँ, एक और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी 3 डायरेक्ट एक्टिव मैनेजर लाइंस कम से कम होनी चाहिए। अगेन क्राइटेरियाज 3 डायरेक्ट एक्टिव मैनेजर लाइंस। अब ये जो एक नई मैनेजर लाइन बनाई है आपने, वो भी इसका हिस्सा हो सकती है, उसके अलावा भी हो सकती है, इसका हिस्सा भी हो सकती है। तो आपकी कम से कम 3 डायरेक्ट एक्टिव मैनेजर लाइंस होनी चाहिए। ये लाइंस भी नीचे से उठ के आई हुई लाइंस नहीं है, ये लाइंस भी उन्हीं मैनेजर्स के साथ होंगी जो आपने रिक्रूट करके, आपने डायरेक्टली रिक्रूट करके, आपने स्पॉन्सर करके, आपने ग्रो करके, डेवलप करके मैनेजर लेवल तक लेके गए हैं। सो क्राइटेरिया इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते हैं, सही तरीके से ग्रो करेंगे, तो क्राइटेरिया मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्राइटेरिया तो बता दिया, अब जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं कि ये करने के बाद मिलेगा क्या, राइट? आई थिंक सब एक्साइटेड होंगे वो जानने के लिए, तो चलिए चलते हैं आगे कि आपको क्या मिलेगा। दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि जो लोग ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सब लोग मैनेजर्स रिट्रीट के हकदार तो बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं आपको 1 एक्स्ट्रा नाइट एट द मैनेजर्स रिट्रीट। अगर आप इस अवार्ड के भागीदार बनेंगे तो आपको मैनेजर्स रिट्रीट के ऊपर 1 नाइट एक्स्ट्रा स्टे करने का मौका मिलेगा। एक शानदार आलिशान 5-स्टार होटल के अंदर आपको एक एडिशनल डे और नाइट का अवार्ड मिलेगा। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेनर्स अकेडमी में भी, बिकॉज ये जो सारा आप लोगों का एक एडवाइजरी पैनल का रोल होगा, वो ट्रेनर्स अकेडमी में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप लोगों से बैठ के डिस्कशंस, फ्यूचर कंपनी का चार्ट करते हुए, आप लोगों का फ्यूचर चार्ट करते हुए 1 एडिशनल नाइट आपको ट्रेनर्स अकेडमी में भी दी जाएगी दोस्तों, और आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे कंपनी के एडवाइजरी पैनल में। तो जो टाइम टू टाइम कंपनी के साथ जो मीटिंग्स रहेंगी, जो कंपनी के साथ इंटरेक्शन रहेगा, आप उन सबका हिस्सा बनेंगे। सो ये थी आपकी 3 आपको जो एडिशनल चीजें मिलेंगी। कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ एक्साइटिंग है, उम्मीद करता हूँ इससे बहुत सारी
एक्साइटमेंट आप लोगों में आएगी। और कई बार लोगों को लगता था, नए लोगों को लगता था कि हमें एडवाइजरी पैनल में आने का मौका नहीं मिल रहा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें मालूम नहीं कि हम इस टॉप पोजीशन के ऊपर, एडवाइजरी पोजीशन के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। आई थिंक अब ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर इसमें बहुत सारे ज़्यादा लोग आएंगे तब उसका कुछ डिसीजन लेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग होंगे तो हम एडवाइजरी पैनल में नहीं ले पाएंगे, बट हो सकता है कि फिर हम उसमें से एक कुछ सिलेक्टेड लोगों को एडवाइजरी पैनल में ले जाएं, जो टॉप 20 लोग होंगे उनको एडवाइजरी पैनल में ले जाएं। एक इसमें मैं खास आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा, आपने एक फर्स्ट स्लाइड देखी थी। विकास जी एक पहली स्लाइड एक बार रिपीट करेंगे, स्लाइड नंबर 1। इस स्लाइड को गौर से देखिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे एक सवाल पूछूंगा। देख लिया ध्यान से? अब विकास जी लास्ट स्लाइड नंबर 6 पे ले जाएं। ये देखिएगा क्या नजर आया आपको। दोस्तों मैं जितना एक्साइटेड हूं ये अवार्ड डिक्लेयर करने में, उतना ही मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। जो मैंने चीज देखी शायद आप लोगों ने नहीं देखी। इसमें स्लाइड 1 में भी कोई हमारी इंडिया से कोई फीमेल एफबीओ नहीं है, और स्लाइड 6 जो अवार्ड विनर्स हैं, शायद ये ईगल मैनेजर ट्रिप था थाईलैंड में, इसमें भी कोई इंडिया की फीमेल मैनेजर नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस अवार्ड के सहारे बहुत सारी लेडीज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी लेडीज इस अवार्ड में इस पिक्चर को फ्यूचर में जाके चेंज कर देंगे, बिकॉज वी वॉन्ट मोर वेमेन इन दीज पिक्चर्स। वी वॉन्ट इंडिया में हमारा जो आज की डेट में परसेंटेज ऑफ मेन इन द बिजनेस है ऑलमोस्ट 99% है। ग्लोबली हमारा बिजनेस 74% के करीब लेडीज चलाती हैं। सो हम 74% लेडीज ना सही, बट आने वाले साल दो साल में कम से कम 25% लेडीज और 75% मेन तो कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आप सब लोगों से, आप सब टीम से। वी शुड ट्राई एंड ब्रिंग मोर एंड मोर वेमेन इन टू अ लीडरशिप पोजिशन। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन आपकी टीम्स में लेडीज, लड़कियां बढ़ जाएंगी, आपकी टीम्स की ग्रोथ ऑटोमेटिकली इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज आज की डेट में 50% पॉपुलेशन लेडीज की है हमारे भारत में। तो जब आप लड़कों से बात करते हो, लड़कों की टीम को ग्रो करते हो, तो आप वो जो 50% नारी शक्ति है उसको तो साइड पे रख देते हो। तो आपके लिए जो दुनिया सीमित रह जाती है, आपके प्रोस्पेक्ट सीमित रह जाते हैं सिर्फ 50%। अगर 125 करोड़ लोगों की आबादी है तो 60-65 करोड़ लोग आप एक बार साइड पे रख देते हो लेडीज के ऊपर ना टारगेट करके अपना बिजनेस। तो मुझे उम्मीद है फ्यूचर में हमारे इस पिक्चर में, इस फोटोग्राफ में हम बहुत जल्दी चेंजेस लाएंगे। देयर शुड बी मोर एंड मोर वुमेन इन दिस लीडरशिप टीम। दैट्स माय विजन, दैट्स माय ड्रीम। सो विद दैट ये अनाउंसमेंट हम खत्म करते हुए बाकी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम से बहुत एक्साइटमेंट आई होगी आप लोगों में। अब चलते हैं जो हमारा मेन प्रोग्राम था दोस्तों। जिन लोगों को सुनने के लिए आप इतनी देर से बेसब्रे हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। हमारा ये पैनल डिस्कशन है आज, हम आपके सामने 3 पैनलिस्ट प्रस्तुत करेंगे। और मैं सबसे पहले हमारे सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये जो लीडर हैं हमारे, 1980 में दिल्ली आए 20 साल की उम्र में, और एक आईटी कंपनी में इन्होंने जॉब करी, वहां पे एरिया मैनेजर बने। 1994 में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बट 1999 में जब भारत में रिसेशन आया, बिजनेस डाउनटर्न आया, तो उनका बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह थोड़ा डाउन ट्रेंड पे चला गया। उन्होंने सन 2000 में फॉरएवर ज्वाइन किया,
डेढ़ साल के अंदर मैनेजर बन गए, फिर 2002 में सीनियर मैनेजर बने, 2003 में कार प्लान अचीव किया और बिना रुके आज तक 2000 कार प्लान 1, 2 और 3 अचीव करते रहे। 2013 में सोरिंग मैनेजर बने, चेयरमैन बोनस लेवल 1 किया 2006 से लेके 2015 तक, फिर चेयरमैन बोनस लेवल 2 किया 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। ईगल मैनेजर किया उन्होंने, एक शायद ईगल मैनेजर मिस किया उन्होंने, बाकी सब जब से ईगल मैनेजर चल रहा है वो ईगल मैनेजर रहे हैं। वो टॉप 5 FBOs में 15 बार फीचर कर चुके हैं पिछले जब से FLP इंडिया यहाँ पे आई है। वो करीबन 20 देश घूम चुके हैं फॉरएवर की बदौलत, और ग्लोबल रैली में इंडिया से पहले स्पीकर थे सन 2011 में। तो दोस्तों शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा ये कौन है। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर प्रेम राजन, ही इज वन ऑफ आवर फर्स्ट बिग लीडर्स। प्रेम जी कैन वी सी यू? आई थिंक तालियों के साथ इनका स्वागत कर सकते हैं, तालियां तो यहाँ पे नहीं बजती ऑनलाइन में, अच्छे कमेंट्स ही दे सकते हैं, अच्छी लाइक्स दे सकते हैं प्रोग्राम में, ताकि हम सबका जो यहाँ बैठे हैं मेरा और प्रेम जी का थोड़ा सा साहस और बढ़े आपके साथ और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सर। प्रेम जी आज के सेशन में वी वेलकम यू एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है आप लोगों से बातचीत करना, क्योंकि आजकल जब से ये कोविड का दौर आया है तो आई थिंक मिलना जुलना तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है और ऑनलाइन मिलना जुलना ही आज का रीति रिवाज बन गया है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन का प्रचलन अब जल्दी जल्दी जाने वाला नहीं, जब माहौल ठीक होगा उसके बाद भी ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स अब आगे कंटिन्यूड रहेगा। तो जिन लोगों ने मेरे को लगता है कि अभी ऑनलाइन पे ट्रेन नहीं हुए हैं वो जल्दी ही ट्रेन हो जाएं तो बिजनेस के लिए और अच्छा होगा। तो प्रेम जी आपको जो आज हमने इंडिया लीडरशिप टीम अनाउंस किया वो कैसा लगा आपको अवार्ड? बहुत बढ़िया सर। इनफैक्ट बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन देर है दुरुस्त है, इट इज वेरी गुड। मतलब नाउ वी कैन पुट आवर पॉइंट्स। हम हमेशा एक ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे हमारे कुछ पॉइंट्स हेडक्वार्टर्स तक कैसे पहुंच जाए। आई थिंक इसके द्वारा वो सब हो जाएगा, वो एक सपना पूरा हो जाएगा। चलिए ग्रेट प्रेम जी अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज अपने पास समय कम है, अपने को ऑनलाइन मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना है बिकॉज ऑनलाइन मीडिया सुना जाता है कि इफेक्टिव तभी रहता है जब शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेजिंग रहती है अपनी। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि हमने जैसे आपकी स्टोरी सुनी कि 1999 में आपके बिजनेस ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लिया और 2000 में आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, क्या आप अपने लिसनर्स को ये बता सकते हैं कि आपने फॉरएवर ही क्यों चुना? थैंक यू सर। बिल्कुल मेरा जो फॉरएवर चुनने का कारण, फॉरएवर वाज एक्चुअली सेकेंडरी। सबसे पहले ये इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था हमें, हम विकल्प की तलाश जरूर कर रहे थे लेकिन नॉट नेसेसरली नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्किंग में आने का कारण डे वन से क्लियर हो गया था, क्योंकि नेटवर्किंग एक अकेली प्लेटफॉर्म थे उन दिनों, कोई बिना इन्वेस्टमेंट, मतलब बिना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है, मतलब एक रिस्क फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी काफी कम लगा। बहुत सारे लोग जो रिस्क फैक्टर को जो पैसे से जोड़ते हैं या कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन हमने थोड़ा अलग सोचा बिकॉज फॉर मी द रिस्क फैक्टर वॉज नॉट नेसेसरली मनी, एटलीस्ट इट वॉज नॉट द प्राइमरी कंसर्न। क्योंकि IT लाइन में हमने बड़े मुश्किल से एक बहुत छोटे लेवल से ऊपर उठ के और शुरू से जुड़ा हुआ है, हमने बड़े मुश्किल से एक नाम कमाया। तो आई वॉज मोर वरीड अबाउट द क्रेडिबिलिटी फैक्टर। जब मैं रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगा मैं कोई गलत कंपनी के साथ या कोई गलत कंसेप्ट के साथ या कोई गलत प्रोडक्ट वाला कंपनी के साथ जुड़ के मेरा रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए। वो गुडविल एक मार्केट क्रेडिबिलिटी या गुडविल मैं किसी भी कारण के लिए वो छोड़ना नहीं चाहता था, उसमें कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो जब फॉरवर्ड को मैंने देखा है
क्योंकि कुछ चीज इसमें अच्छा लगा इसको, एक तो इसका ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान, क्योंकि बाकी जितने भी हमने कंपेयर किया था वहां पे कोई ना कोई स्टार, कोई ना कोई हिडन एजेंडा, जबकि डिस्पाइट दैट आई वॉज वेरी क्रिटिकल, वेरी स्केप्टिकल, वेरी एनालिटिकल। इनफैक्ट जब फॉरवर ने बाकी सभी बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट थे और अचानक फॉरवर आके बताया भाई इसमें एक रुपया का कोई लेन देन नहीं है, कोई ना आपका पैसा लगेगा ना आपका आपको किसी और का पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा अजीब लगा है। सो आई वॉज बिट एनालिटिकल, भाई ऐसे तो नहीं है ना इसमें कोई कंडीशन आएगा बाद में। तो व्हेन आई वॉज कन्विंस्ड भाई इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, देर इज नो स्टार, ओके देर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच, और उसके बाद जो प्रोडक्ट का जो है, एंड इफ आई रिमेम्बर फॉरवर में मैंने वो सप्लीमेंट का जो है एक कैटेगरी पहली बार देखा है, ऐसे नहीं है फॉरवर आने से पहले तीन या चार इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आए थे, उनके पास सप्लीमेंट थे लेकिन इंडिया में नहीं लॉन्च किया, वो बाहर लॉन्च किया था। तो फॉरवर वो वेलनेस या हेल्थ केयर, खैर वेलनेस तो अभी हम बताते हैं, उस टाइम तो हेल्थ केयर बताते थे, तो हेल्थ केयर में जो फिट होने वाला जो प्रोडक्ट और ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो फ्री ज्वाइनिंग इन फॉरवर दैट वॉज ओनली एन इनिशियल अट्रैक्शन, बट दैट वॉज नॉट द रियल फ्यूअल, मतलब जो मेरा रियल कारण वो नहीं था जो फॉरवर को चुनने का। सबसे ज्यादा एक स्टेबिलिटी फैक्टर था, क्योंकि हमने ऊंच नीच तनाव बहुत देखा है आईटी लाइन में, हम नीचे से ऊपर भी गया और ऊपर से नीचे भी आया फिर गया, तो ऊंच नीच तनाव देखने के बाद मेरे को ये तो था भाई आई एम नॉट बिकमिंग यंगर एनीमोर, हर बर्थडे में जो कैंडल गुजरा है भाई उम्र तो बढ़ रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा। तो मैं कहता मैं आगे रिस्क इन द टर्म्स ऑफ एक स्टेबिलिटी भी नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं फॉरवर का ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने क्या देखा है, एक स्टेबिलिटी फैक्टर देखा है। मतलब वी डिड नॉट सी द बिग पिक्चर, मतलब लाखों कमाने का सोच नहीं था, हम तो एक 50,000 भी मिल जाए किराया निकल जाएगा वो सोच में था, भाई लाख रुपया भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाख आते रहेंगे, बिकॉज ये पैसा मिलना एक बात है, वो मिलते रहना दूसरी बात है। तो ये मिलते रहने वाला फिलोसफी कहीं ना कहीं हमने फॉरवर में ज्यादा देखा है बाकी कंपनियों से, इससे अच्छा लगा। और ये इवन टुडे इट इज रेलेवेंट, बिकॉज जब हम कहते हैं ना फॉरवर में एक सबसे इट इज टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, then that really mattered. और ये उस टाइम भी रेलेवेंट थे, आज भी रेलेवेंट थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ रेलेवेंट, देयर इज नो मैच। बहुत सारे नकली लहर चलाने वाला कंपनी कहता है जी उनके पास भी ये दोनों है, भाई वेलनेस का भी है उनके पास प्रोडक्ट और नेटवर्किंग तो है ही है। देखो फिलोसफिकली या टेक्निकली उन लोग सही हो सकता है, बिकॉज आज के डेट में कौन सी बड़ी बात है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट से उठाओ, एक हाजमोला का शीशी बना दो, हाजमोला का शीशी को नेटवर्किंग की फिलोसफी से आप मार्केट में प्रमोट कर लो, कहने के लिए वो भी कह सकता है भाई, वो भी उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन सिर्फ फॉरवर का है, ये तो वही बात हो गया ना, आप वही कोई पानी का मोटर या कूलर का मोटर पड़ोसी का साइकिल में कस के बांध लो, कहने के लिए तो कह सकते हैं भाई वो भी मोटरसाइकिल है, आप किससे बहस करो, मतलब बहस करके कैसे जीतोगे, वो कहेंगे जी देखो आगे से साइकिल दिख रहा है पीछे मोटर लगा हुआ है। लेकिन जो असली मोटरसाइकिल जो क्यूबिक मतलब सीसी कैपेसिटी उसका जो ब्रेक क्लच उस हिसाब से वो एक ही कंपनी देता है, वो एक 12 डिजिट आईडी देने वाले एक अकेली कंपनी है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये जो सोच हमारे अंदर 21 साल पहले भी था, लेकिन फिर भी शुरू में थोड़ा सा तो अजीब तो लगा है, और बिकॉज फॉर अस इट वॉज बिल्कुल एलियन, चाहे ये प्रोडक्ट रेंज हो या ये कंसेप्ट हो वो या मार्केटिंग प्लान हो, हमें थोड़ा अजीब लगा है, बट सम हाउ ओके दिस वर सम ऑफ द वॉइस ओके। और एक और वॉइस जो फॉरवर्ड चुनने का एक कारण काफी रेलेवेंट उस टाइम थे, बिकॉज आईटी लेन में क्या है, हर तीसरी तो हर 5 साल में कुछ ना कुछ मंदी के असर आते हैं, और हमारे इंडस्ट्री कुछ ऐसे होते थे दुनिया में कहीं भी मंदी होते थे वो सबसे पहले हमारे सर पे आके फट जाते थे। तो मैं कुछ ऐसी चीज देख रहा था भाई जहां पे मंदी का असर नहीं होगा वहां पर भी फॉरवर बिल्कुल फिट हो गया,
क्योंकि मंदी के टाइम लोग ऐशो आराम की चीज नहीं लेंगे, लोग मोटर गाड़ी नहीं लेंगे, वो फ्रिज नहीं लेंगे, माइक्रोवेव ओवन नहीं लेंगे, लेकिन कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ देगा, कोई नहाना छोड़ देगा, कोई ब्रश करना छोड़ देगा। तो मैंने ऐसे काफी कुछ चीज देखा है। तो फॉरएवर ने फॉरएवर जो चुनने का कारण बड़ा ही इंटेलिजेंटली मैंने एनालाइज किया है, उसके बाद ही एक सही निर्णय लिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज फॉरएवर। माई नेटवर्क में मैंने और कोई कंपनी नहीं देखा, जबकि मैंने बहुत कंपेयर किया, तो फॉरएवर वॉज माई द फर्स्ट एंड द ओनली चॉइस। सो आपकी बातों से प्रेम राजन जी मुझे लगा कि बहुत सारे लोग आज के समय में स्पेशली जो यंगस्टर्स बिजनेस में आते हैं वो रातों रात यू नो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और हर तरह के सही गलत तरीके अपना के एक बारी एक इनकम अर्जित कर लेते हैं, बट फिर उसको सस्टेन करने का तरीका नहीं ढूंढ पाते। तो आपकी बात से लगा कि जो आपने फॉरएवर को चुना कि ना ही एक बार इनकम अचीव करना बट उसको सस्टेनेबल करके रखना वॉज फॉरएवर का वन ऑफ द की फैक्टर्स जो आपको जिसने मोटिवेट किया कि भैया एक बार ये इनकम आएगी और अगर आप उसको सही ढंग से करते रहोगे तो वो इनकम कंटिन्यूअसली आती रहेगी। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे जो आपकी बात से मुझे समझ आया। बिल्कुल। सो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के यंग लीडर्स के लिए। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। ये सारी अब आपने ये तो बता दिया हमें प्रेम राजन जी कि आपने ये क्यों चुना फॉरएवर। अब हमें ये बताइए कि जो आपका 20-21 साल का ये जो लंबा सफर रहा है सक्सेस का, आपने कंटिन्यूअसली मैंने जैसे बताया आपके सब लिसनर्स को कि आप अपने लगातार अपने अवार्ड अर्जित करते गए, आपने सब तरह के परफॉर्मेंसेस किए, आपने चेयरमैन बोनसेस भी बड़े से बड़े लेवल के लिए, आपने 20 देश घूमे दुनिया भर में, ये आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे फॉरएवर में जिनसे आप कंटिन्यूअसली सक्सेस की सीढ़ी चलते गए हैं। क्या आप अपने लिसनर्स के साथ वो अपने जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं अपनी स्ट्रगल है उसको ब्रीफली बयां कर सकते हैं ताकि अगर कोई स्ट्रगलर है उसको आपसे प्रेरणा मिले कि भैया ये सक्सेस का दौर भी आएगा स्ट्रगल के बाद, और आपने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए जिनसे आपको सक्सेस मिली फॉरएवर में, थोड़ा सा उस चीज के ऊपर रोशनी डालिएगा हमारे लिसनर्स के लिए। थैंक यू सर। इनफैक्ट शायद ही किसी को पता है या बहुत कम लोगों को पता है, आई वॉज ए मिजरेबल फेलियर इन फॉरएवर इन द फर्स्ट ईयर। जो पहला साल जो फर्स्ट ईयर जिसे मैंने ज्वाइन किया था, इनफैक्ट अभी जैसे बहुत सारे लोग उनको मैं कहता हूँ आप एक छोटा इनकम दिखा के भी एक बड़ा सपना okay, लोगों के अंदर जगा सकता है, तो कहते हैं मिस्टर राजन देखो आपको ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि आपका जो लाखों का चेक दिखा के आप लोगों को मोटिवेट कर सकता है और आप हमें राय ये दे रहे हैं भाई छोटा चेक से भी आप बड़ा मोटिवेशन दिखा सकते हैं। उनको शायद ये नहीं पता हमारा भी एक टाइम था एक 3-4 figure मंथली इनकम चलते थे। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक डिसेंट फिगर उस टाइम 10,000 को मांगते थे ओके मानते थे 10,000 उससे कम तो यू नो बिल्कुल लोग हंसी मजाक करते थे। स्पेशली आई केम फ्रॉम ए बिजनेस सर्कल। हाँ अगर कोई मेरे क्लरिकल पोस्ट से अगर 5,000 कमाता है कोई बुरी बात नहीं था, लेकिन एक बिजनेसमैन यहाँ आके 3,000-4,000 कमाता है लोग हंसी मजाक करते थे। लेकिन क्या है एक 10,000 इनकम मिलने के बाद ही एक मोटिवेशन एक इंटरनल मोटिवेशन आ गया था, उसके लिए भी नियरली 1 साल लगा। लेकिन ये 1 साल इट टुक 1 year फॉर अ डिसेंट इनकम। एंड अगर कोई 10,000 को एक डिसेंट मानते हैं उन दिनों थे उतने इतना बुरा नहीं मानते थे 10,000 को, उस टाइम भी मैजिक फिगर तो लाख रुपए को बोलते थे, लेकिन 10,000 तक पहुंचने के लिए जो 1 साल लगा। सवाल ये है आप ये उस कई लोगों के साथ ये डिले होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये डिले अभी भी कई लोगों के साथ होता है, मेरे भी ग्रुप में होता है, अनगिनत लोगों के साथ होता है। लेकिन सवाल ये है जो डिले के दौरान आप क्या करते हैं। जब मेरे साथ जो डिले हुआ था मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया। इनफे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं भी आपने कैसे एक विपरीत परिस्थिति मतलब मैं अपने आप को इसके अंदर एक मिसफिट समझते थे। मिसफिट समझने का कई रीजन है, एक तो जो प्रीवियस इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री से आई कुड नॉट कैरी फॉरवर्ड एनीथिंग, दूसरा मैं मिसफिट इसलिए समझ रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं
बीइंग ए साउथ इंडियन, उस टाइम कोई भी नहीं थे जो एक साउथ इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में, इनफैक्ट आज के डेट में भी एक दिल्ली के अंदर आपको बहुत कम ही मिलेंगे जो साउथ इंडियंस, उसका कारण क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का फिलोसफी, आप वर्ड ऑफ माउथ बोलो या कुछ भी इसको किसी भी परिभाषा में इसको फिट कर दो, कहीं ना कहीं ये फिलोसफी क्या बताता है, आपकी आजू बाजू में आप यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लो, ये सारे चीज हमने करीब 3,000 किलोमीटर पीछे छोड़ गया है। और तीसरा जो प्रॉब्लम ये था कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लाइन में ओके मैं इंग्लिश में चला सकता था, ऐसे नहीं मैं इंग्लिश में कोई स्पीच दे सकता था उन दिनों भी, लेकिन मैं चला सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फॉरवर्ड में आने के बाद समझ में आ गया यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा काम नहीं करेगा, आपको हिंदी में सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। तो मैंने फॉरवर को, इस प्लेटफॉर्म को मैं इसलिए बड़ा समझता हूँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सीखा है, और सबसे ज्यादा ये सीखा है, आप यहाँ पे आपके अंदर कितना भी कमी क्यों न हो, कितना भी माइनस क्यों न हो, आप हर वो कमी से ऊपर उठ के जिंदगी में वो हासिल कर सकता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी संभव है। और ये जो सोच है मेरे को डे वन से आना शुरू हो गया था, बिकॉज ये एक सीखने का बिजनेस है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग को हर एक को मालूम है, ये काम लोगों को समझाने का है, लेकिन आप समझा तभी पाएंगे जब आपको कुछ समझ में आता है, और बड़ी बात यह है ये समझने समझाने के बीचों बीच आप इसमें करोड़पति भी बन सकता है, लेकिन कितने लोग अपने अंदर जाके देखते हैं अपनी कमी जो ढूंढने के लिए कोशिश करता है। आई वैल्यू द टाइम, द ओनली थिंग इन माई कंट्रोल, मेरे पास तो वही चीज था, मैं अपने कंट्रोल में है, बाकी सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स था, लोग साइन हो रहा है नहीं हो रहा है, यस बोल रहा है नो बोल रहा है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मेरा कंट्रोल यू नो माई सेल्फ, और जो टाइम जो समय का सदुपयोग करता है मैंने देखा है वो फॉरवर्ड का हर ऊंचाई पहुंच सकता है, पहुंच भी चुका है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा मैंने क्या किया, जो पहले एक साल बहुत सारे लोग बहाना ढूंढ रहे थे उस टाइम भी, लेकिन मैंने कोई बहाना नहीं ढूंढा, और मैंने कोई ब्लेम गेम, मैंने ये नहीं बोला यार ये कौन सा अपलाइन मिला मेरे को, ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है ओके, इनका जो ट्रेनिंग ठीक नहीं है, या प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आ रहा, उन दिनों सिर्फ 12-13 प्रोडक्ट थे उस टाइम, अभी कई लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट कम है प्रोडक्ट नहीं है, उस टाइम था ही नहीं है, पूरा कंप्लीट रेंज है, 12-13 प्रोडक्ट है, उस टाइम हमने बिजनेस डेवलप किया। तो ये संभव इसलिए हुआ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक लर्निंग मशीन बना दिया, वो देखा ना जो रॉबर्ट फिलिप उसमें रजनीकांत हु ऐसे करके जो सीखता है, तो मैंने अपने आप को एक लर्निंग मशीन बनाया। और फॉरवर्ड की खासियत क्या है, जिस दिन आप अपने आप को एक लर्निंग मोड में डाल के एक लर्निंग मशीन बनाओगे, आप खुद एक एटीएम बन जाएंगे, वो एटीएम बनते ही आप सिर्फ पैसा नहीं बांटेंगे, आप हर दूसरा तीसरा महीना एक एक मिलियनर भी पैदा कर सकते हैं। कुछ ऐसी एटीएम बनना चाहते हैं आप, एटीएम तो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग मशीन कौन बनेगा, तो लर्निंग मशीन तो आपको बनना पड़ेगा। सन 2000 में बहुत सारे लोग हमें टोकते थे, क्योंकि उस टाइम कंपनी के ऑफिस नहीं थे, जब हम एक बड़ा सपना दिखाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, लोग कहते जी अच्छा कहाँ ऑफिस, मैंने बोला मुंबई, अरे मुंबई तो बड़ा दूर है, और यहाँ पे कोई यू नो जैसे कोई प्रोडक्शन नहीं है, और यहाँ पे कोई जो सफल व्यक्ति का जो बिजनेस टेस्टिमनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट टेस्टिमनी नहीं है, कहते फिर लोग तो है क्या है, तो मेरे पास आए क्यों है, मैंने बोला मैं हूं ना, छाती टोक के बोलते थे मैं हूं ना, क्योंकि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उस दिन भी था, सब कुछ बोलने के बाद लोग पूछते थे अच्छा चेक दिखाओ, और उस टाइम यू नो 4,000-5,000-6,000 का जो चेक है वो दिखाते टाइम कई लोग हंसी मजाक करते थे, इवन अच्छे अच्छे दोस्त भी हंसी मजाक करते थे, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन ठीक है वो 5,000 चेक आप खुल के दिखा सकते हैं, कई लोग छुपाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज के डेट में भी मैं अपने टीम को बोलता हूँ, क्योंकि हम उस टाइम एक 5,000 का चेक में भी एक 50 लाख या 5 करोड़ का सपना दिखा देते, मेरे ख्याल में ये चीज आप भी कर सकते हैं, सो इट डजंट रियली मैटर हाउ मच यू आर गेटिंग। उस टाइम कई लोग पूछते थे मैं आप इतना बड़ा बिजनेसमैन ये 5,000 में कैसे खुश है, मैं उनको शांत करने से पहले खुद को तसल्ली देने के लिए कोशिश करता था, मैं ये बोलता था भाई देखो अगर मेरे को 5,000 आ रहा है इसका मतलब कम से कम 5,000 के हिसाब से 8% के हिसाब से कम ये हमारे ये जो प्रोडक्ट है कम से कम 4 घराने में गया होंगे, 4 लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कम से कम 4 परिवार में खुशी इस प्रोडक्ट से ला सकते मिलते होंगे, तब मेरे को प्रोडक्ट आता है,
बिना एक रुपए लगा के, बिना किसी को पैसा लगवा के, बिना कुछ झूठ बोल के, अगर बिना अपनी जो कुछ भी त्याग करके, अगर लक्ष्मी के रूप में ऐसे कुछ अमाउंट मेरे को ढूंढ के आता है, तो मैं इस बात में एक तो मोटिवेट रहता था और मैं लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए कोशिश करता था। तो आप कभी भी कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं इसमें, यह सच बोलने का बिजनेस है। जो भी आपको मिल रहा है आप खुल के बोलो एंड आई एम श्योर पीपल विल बी हैप्पी। नॉर्मली मैंने देखा है ऐसी हालत में लोग हिम्मत हारते हैं, लेकिन अगर जो समझदार आदमी यही है जो बिना बहाना ढूंढ के आप तरीका ढूंढे, हमने बहाना नहीं ढूंढा, हमने तरीका ढूंढा। सर सर मेरे को आवाज नहीं आ रहा विकास जी, आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। प्रेम राजन जी, मैं इसको समराइज इस तरीके से करता हूं आपके जवाब को कि 20 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया तब भी मुश्किलें थी, 10 साल पहले भी मुश्किलें थी, 5 साल पहले भी मुश्किलें थी, आज भी मुश्किलें हैं, कल भी मुश्किलें रहेंगी और जाने कितने अरसे तक ये मुश्किलें कंटिन्यू रहेंगी। सिर्फ मुश्किलों का नेचर चेंज होता चला जाएगा, जो उस समय चीजें थी वो आज शायद नहीं होंगी, आज नई तरह की मुश्किलें होंगी, कल और तरह की मुश्किलें होंगी, परसों और तरह की मुश्किलें होंगी। अगर आप मुश्किलों के बारे में सोचते रह जाएंगे तो आप वहीं बैठे रह जाएंगे। अगर मुश्किलों से आगे निकल के आप उनको पार करने के तरीके सोच के आगे बढ़ते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे और मोटिवेटेड रहोगे, अपने सपने अपने दिमाग में सही कायम रखोगे, तो सक्सेस आपसे कभी दूर नहीं रहेगी। तो बेसिकली प्रेम राजन जी का यही कहना है कि कंटिन्यूअसली सीखते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, अपना मोटिवेशन बना के रखिएगा, बहाने नहीं ढूंढिएगा, काम करने के तरीके ढूंढते चले जाइएगा। क्या मेरी समरी ठीक है प्रेम राजन जी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आज की यंगर जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि 2000 का चेक आए, 5000 का चेक आए, 10000 का चेक आए, 15000 का चेक आए, आप उसको प्राउडली अपनी छाती पे अपने सीने पे लगा के चलिएगा, वो दिन दूर नहीं जब लाखों का चेक भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम राजन जी, अपना समय थोड़ा कम है, अपना जल्दी से मैं एक तीसरा सवाल आपसे ले लेता हूँ, उसको थोड़ा ब्रीफ में आप हमें बताइएगा कि अब जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं 20-21 साल में, उससे आगे आपका क्या प्लान? थैंक यू सर। मैंने ना पहले ना अब रास्ते का परवाह किया, मैंने कहीं ना कहीं वो डेस्टिनेशन मंजिल ओके, और आज के डेट में अगर डेस्टिनेशन मंजिल की बात करता है ओके, टच वुड, मैंने काफी कुछ फॉरवर्ड में अचीव किया, तो आज के डेट में ये एक बिजनेस कम हो गया मेरे लिए, ये एक पैशन ज्यादा हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा कमजोर थे जो लास्ट ईयर, लेकिन अभी हमने वो सब कमजोरी से बाहर आ गया। 2021 का जो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही था, भाई टेक्नोलॉजी में हम मास्टर करेंगे, जो रिमोट एरिया में जो भी जितने भी जो लोग हैं, जो भूले भड़के या जो भी थोड़ा पीछे छूट गया, हमारा जो ग्रुप में अगर देखा जाए नया रिक्रूटमेंट तो अपनी जगह तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अभी एक प्रायोरिटी में जो डाला है जो रिवाइवल, रिवाइवल मतलब कई लोग जो बैक बेंचर्स है पैंडेमिक के दौरान, बहुत सारे लोग पीछे छूट गया, पीछे रह गया ओके, और कुछ लोग कहीं ना कहीं भड़क गया, कुछ कहीं अटक गया या नो लुटक गया या जो यू नो, हम उनको वापस सिस्टम में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो सुबह का बोला जो वापस, मैं उस फिलोसफी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी जो सुबह का बोला जो घर से निकला है हम उसके पीछे भी लग जाता है, क्योंकि वो वापस आते टाइम कोई गड्ढे में नहीं गिरा, क्योंकि बहुत सारे नकली लहर चलाने वाला गड्ढा खोद के रखा है, हमारे लोगों को लेके जाता है, वो गड्ढे में डाल देता है। तो हम चाहते हैं वो सभी लोगों को एक 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 रिवाइव करने का जो एक मेरा जो चल रहा है, रादर देन अपॉइंटिंग न्यू पीपल का है, बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में वो है। बाकी क्या है, कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है, जो नेटवर्किंग फिलोसफी, जो टाइम के हिसाब से इसका जो कंसेप्ट बदलते गया और फॉरवर्ड उसमें आगे है, जैसे हम हमेशा कहते हैं जिसको पहले बार्टरिंग था, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस आ गया, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग आ गया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग आ गया, मैं तो कहता हूँ फॉरवर्ड उसमें आगे है, नेटवर्क मार्केटिंग से भी एक कलम आगे है, बिकॉज इट हैज बिकम एन अट्रैक्शन बिजनेस और एन इन्फ्लुएंस।
इन अ वे आई कैन से वी आर इन द फिफ्थ लेवल ऑफ मार्केटिंग, फिफ्थ लेवल ऑफ मार्केटिंग, और शायद ही कोई कंपनी है हमारे आजू बाजू भी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ कुछ ऊंची छलान मारने के लिए आपको कहीं ना कहीं नॉलेज के अलावा कुछ पैशन भी चाहिए। एंड आई थिंक पैशन बाय डिफॉल्ट फॉरएवर में आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे बिजनेस है यू कैन टच मेनी पीपल्स लाइव्स। देयर आर ओनली टू वेज यू कैन ग्रो इन दिस, यू कैन ईदर रेकमेंड द प्रोडक्ट और यू कैन रेकमेंड द अपॉर्चुनिटी। ईदर वे बोथ वेज आप कौन सा किसी का एहसान ले रहे हैं, दोनों में आप किसी का किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पता नहीं आपका इस बिजनेस में जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं उसमें कितने लोगों को आंसू आप पूछ रहे हैं, कितने लोगों के जो आंखों की नमी आपकी वजह से दूर हो सकता है, कितने घर बच सकते हैं, कितने गरीब लोगों की आपकी वजह से फायदा हो सकता है। आपने अगर कहीं ना कहीं ये सोच अगर आप आपके अंदर ला सकता है वो पैशन, मतलब फॉरवर्ड में लगे रहने का, हर जो गलत परिस्थिति से भी बाहर आके कैसे आप अपने लिए एक ऊंची जगह यहाँ पे ढूंढ सकता है, ये पैशन आपके अंदर आना चाहिए। मेरे अंदर है और अभी मेरा अभियान क्या है, ये यही पैशन मैं सामने वाले के अंदर जितने भी लोग मिल रहे हैं उनके अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। हम इंशाल्लाह उनके पास ज्यादा पैशन भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैशनेट है, वो मेरा पैशन का एक अंश लेके उनका पैशन का जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। With that, I thank you for inviting me. Today is very auspicious for every Malayalis. Okay, this is Onam day. Onam hai. मैं पूरा दुनिया का, because Malayalis पूरा दुनिया में हैं. तो I wish ये program भी पूरा दुनिया में कई Malayalis देख रहा है. Because since I am there, obviously there will be so many Malayalis. तो मेरा जितने भी जो है Kerala में जो दोस्त हैं या सारे Malayalis हैं, मैं उनको एक happy Onam wish करके. And if you have any more queries, because time कम है, इसलिए मैंने cut short किया है, otherwise बताने के लिए बहुत कुछ है, अगली बार मेरे को 2 घंटा दे दीजिएगा, next time. नहीं राजन जी, अगली बार 2 घंटा नहीं देंगे, अगली बार भी 10 मिनट ही देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं आप बार बार 10 मिनट लेके आए, हर बार नई बात सुनाए, ताकि आपके ऑडियंस हर बार कुछ नया सुनने के लिए आपके साथ बार बार जुड़े। एक ही बारी में आपने 2 घंटे की चीज बता दी, फिर दोबारा क्या बताएंगे उनको। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आपके पास इतना खजाना है बातों का जरूर। और मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि इस एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी ओनम विद दैट। प्रेम राजन जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात करके बहुत मजा आया। अब हम नेक्स्ट अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। वो प्रोफेशन से बिजनेसमैन रहे हैं शुरू से, अपने फैमिली पुश्तैनी बिजनेस उन्होंने 15 साल की उम्र में ज्वाइन किया, अफ्रीका में एक्सपोर्ट्स ट्राई किए, FLP उन्होंने ज्वाइन किया 2003 में और मैनेजर बन गए वो 2003 में ही। सीनियर मैनेजर बने 2005 में, सोरिंग मैनेजर बने 2009 में, फायर मैनेजर बने 2016 में। 7 बार कार प्लान अर्जित किया उन्होंने, 50 से ज्यादा देश घूम चुके हैं, रैली और ग्लोबल रैली में वो स्पीकर रह चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2 बार वो CIB Level 1 अचीव कर चुके हैं, 4 बार वो CIB Level 2 अचीव कर चुके हैं और 7 बार दोस्तों Top 5 FBO अवार्ड अर्जित कर चुके हैं। मुझे लगता है अब तक आपने शायद उनको पहचान लिया होगा। जी हाँ, मिस्टर आनंद गांधी, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद गांधी। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आनंद जी। यस सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल एक्चुअली। अभी हम थोड़ा सा टाइम से पीछे चल रहे हैं, अब आ रही है? ये अब आ रही है सर। हम ने प्रेम राजन जी का एक्साइटमेंट देखा, पैशन देखा, वो थोड़ा पैशन में हमारा समय थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, तो अपने पास समय कम बच रहा है, अपने को थोड़ा सा पेस बढ़ाने
इस प्रोग्राम को समय पे खत्म करने के लिए. हालांकि खत्म करना जरूरी नहीं है. I would really like के आप अपनी बात संक्षिप्त रखें, बट बिल्कुल आप इस पूरी तरह से, कि हमने प्रेम राजन से पूछा, हम अलग अलग तरह के लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आपका फॉरएवर ज्वाइन करने का क्या कारण रहा. वही सवाल हमारा आपसे है. आपसे अगर हमारे कुछ श्रोता सीख पाए कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया और फॉरएवर ज्वाइन करने का कारण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार उसके ऊपर क्यों फोकस करते हैं, वाई फॉरएवर, वाई अपना पर्सनल वाई और आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें. थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल क्वेश्चन सर. एक्चुअली वाई फॉरएवर एक मेरा सबसे ज्यादा मेन सब्जेक्ट भी रहा है जब से मैं फॉरएवर में हूँ, क्योंकि इस वाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है लाइफ में. मैंने एक चीज बहुत अर्ली एज में बिलीव कर ली थी कि अगर मैं अपनी नीड्स पे काम करता रहूंगा तो मुझे साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जहां पर मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो सके. क्योंकि जनरली देखा जाता है कि मोर देन 95% लोग जिस जिंदगी को जी रहे होते हैं वहां पर केवल नीड पूरी हो रही होती है, लेकिन उनके ड्रीम्स, उनके सपने की दुनिया कभी उनको अचीव नहीं होती है. और मुझे भी इस चीज का बहुत अर्ली एज में अंदाजा हो गया था कि अगर मैं इस तरफ लगा रहा जहां पर मेरी नीड पूरी हुई और मेरे सपने मुझे नहीं मिले तो शायद मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां पर बचपन में मैंने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं अपने माँ बाप के साथ. मैं अक्सर, मैंने एक दिन एक बहुत बड़े स्टेज पे बोला भी था कि मेरा जन्म गोल्डन स्पून के साथ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ स्पून सिल्वर हो गया. तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद था कि किसी भी तरीके से मैं अपनी फैमिली में वो सक्सेस, वो कामयाबी को वापस लेके जाऊं. इसीलिए जब मैंने जो दूसरे और बिजनेसेस ट्राई करे वहां पर मुझे महसूस हो गया था कि मेरी जिंदगी में वो सब कामयाबी मुझे मिल नहीं सकती, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. और जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने देखी, मैंने उसको बड़े ध्यान से समझा, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करा, तो मुझे विश्वास हो गया कि यही वो कंपनी है जहां पर मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, जहां पर मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकता हूं. और मैं सभी को ये बोलना भी चाहता हूं कि देखिए, हमारी जिंदगी के सबके वाय अलग अलग हो सकते हैं. आज अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करूं तो ये हमें सब कुछ दे सकती है. लाइक इस सिस्टम के अंदर मुझे ब्लेसिंग्स मिली, मुझे रिगार्ड्स मिले, मुझे रिवार्ड्स मिले, एक बड़ी शानदार जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं वो मुझे मिली, यहाँ पर रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिला. इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज हम सिक्योरिटी कहते हैं, जो अक्सर आज की डेट में पिछले 2 सालों में लोगों ने देख लिया कि सिक्योरिटी नाम की जिनकी जिंदगी में थी नहीं, जिनको लगता था कि वो सिक्योर है, यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिली. और सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रभावित करी और जो आज की डेट में बहुत लोगों को इम्प्रेस करती है, दैट इज एन इनहेरिटेंस. ये काम आपके जीवन में आपके साथ तो है ही, लेकिन जिस दिन आप चले जाते हैं आपके बाद भी ये काम आपके साथ साथ जाता नहीं है, आपके बाद भी ये काम चलता रहता है, दैट इज इनहेरिटेंस. सो ये एक बहुत शानदार मुझे मौका मिला और मेरा वाय बहुत क्लियर था, जिसके बाद मेरा नेवर लुक बैक एटीट्यूड जो था उसने मेरी बहुत मदद करी कि मैंने जब भी जीवन में किसी काम को करने का फैसला लिया मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा. और मैं आज भी अपने सभी लोगों को बोलता हूं कि कोई भी काम हम जीवन में करते हैं हमें उसमें चैलेंजेस जरूर आते हैं, तो चैलेंजेस और जो मेरा वाई है उसकी फाइट लगातार बनी रहती है. इसे मैं कहता हूँ, एक फाइट का नाम देता हूँ, वाई वर्सेस चैलेंजेस. तो यहाँ पे जिसका वाई जितना स्ट्रांग होता है उसके चैलेंजेस उतने लाइट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. तो चैलेंजेस को हल्का करने के लिए आपको आपका वाई बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है. और जितने आपके वाई स्ट्रांग होगा उतना आपका चैलेंज बड़े आराम से आपका निकल जाएगा. क्योंकि एक बात बहुत तय है कि बोला जाता है दैट द वीक विल लीव एंड द स्ट्रांग विल लीड. कमजोर इंसान बहाना ढूंढता है और चला जाता है, और मजबूत इंसान, जिसके पास कारण मजबूत होता है, वो इंसान लीड करता है. तो इसलिए वाई क्लियर होना इस इंडस्ट्री में, या मैं कहता हूँ दुनिया में किसी भी काम के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वो काम को क्यों ज्वाइन कराया, आपने क्यों किया. और मैं, लोग बोलते हैं मैंने डिसीजन ले लिया, मैं बोलता हूँ डिसीजन और स्ट्रांग डिसीजन में ही बड़ा फर्क होता है. डिसीजन एक वो शब्द है जिसमें आप कभी कभी उसको ना बार बार रिकंसिडर करते रहते हो, लेकिन स्ट्रांग डिसीजन का मतलब ये होता है अगर आपने एक बार जीवन में फैसला ले लिया ना तो फिर आप पीछे मुड़ करके नहीं देखते. सो आई बिलीव के इस बिजनेस के अंदर मेरा कामयाब होने का, और जितने भी लोग आज तक सफल हुए और जितने भी लोग सफल होंगे, उनका जो बेस और जो फाउंडेशन जो बिल्डिंग की नींव होगी ना, उनका वाई बहुत क्लियर होगा. तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है. और मैं अपने ऑडियंस को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपने अपने जीवन के कभी 10 फैसलों को दोबारा से रिवाइव करा ना, अगर आपको मौका मिले
कि आप अपने जीवन के किसी 10 फैसलों को लिखो जो आपकी लाइफ के सबसे अच्छे फैसले रहे हैं, उसमें कोई भी फैसले हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बिलीव करता हूँ कि आपका सबसे नंबर वन जो फैसला जिसको आप अवार्ड देंगे ना, वो फॉरएवर को ज्वाइन करने का फैसला होगा। थैंक यू सर। सर आपका माइक बंद है। आपकी बात ऑलमोस्ट प्रेम राजन जी से मिलती जुलती है। बेसिकली लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, चैलेंजेस जब आपने ज्वाइन किया तब भी होंगे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो अगर आपका वाय स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका कारण स्ट्रॉन्ग नहीं है कुछ भी काम करने का, तो चैलेंजेस आपको बड़े लगने लग जाएंगे। वो एक तराजू है। अब चैलेंजेस को आप ज्यादा बड़ा बना लोगे तो चैलेंजेस आपको झुका देंगे, अगर आप अपने वाय को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आपका वाय झुका देगा आपको। तो आई थिंक दैट इज बेसिकली व्हाट ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग। जब तक हम एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक ठोस डिसीजन के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे या करेंगे, आपको हमेशा ऑब्स्टिकल्स और पहाड़ी नजर आएंगे रास्ते में, आपको मंजिल नजर नहीं आएगी। आनंद जी आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जो लंबी जर्नी है, इसके कुछ मुख्य सक्सेस फैक्टर्स अगर आप अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर पाए। एब्सोल्युटली सर। सर मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे फॉरएवर करते हुए समय 19 साल हो गए हैं। इसे मैं बोलता हूँ कि लगभग मैं अपने 2 दशक एक काम के अंदर पूरे कर रहा हूँ। और जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया, आई वॉज 24 and a half, 24.5 साल का था मैं, और आज मैं अपने 44 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने जीवन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन फॉरएवर के साथ बिताए हैं। और कुछ समय के बाद मैं इन चीजों को समझना शुरू कर चुका था इस इंडस्ट्री में आके, कि जैसे अभी मेरे जो पहले जो पैनलिस्ट थे मिस्टर राजन जी, उन्होंने बताया कि फॉरएवर उनके लिए एक पहली कंपनी थी। एग्जैक्टली मेरे लिए भी फॉरएवर एक पहली कंपनी थी, और मैं इससे पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आया था। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ समय बाद इस चीज का एहसास हुआ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको के पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस बोला जाता है। इस दुनिया में शायद हजारों लाखों तरह के विचारधाराओं के लोग होंगे, और हमें हमारे विचारधाराओं के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी छत के नीचे इस दुनिया में जितने पॉसिबिलिटीज हैं, जितने थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस के लोग एक छत के नीचे मिल सकते हैं, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ये मोर ओवर पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है, जहां पर आपको लोगों को समझने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। और जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है, क्योंकि हम अपनी चीज किसी को डिलीवर नहीं कर सकते जब तक हम किसी को समझना शुरू ना कर दें। इसके साथ साथ मेरी ग्रोथ के पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की जिम्मेवारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, लोगों को समझाना, ट्रेनिंग देना, टू प्रोटेक्ट, उनको बचाना, टू हाइड। जैसे एक एक मदर अपने बच्चे को जिस तरीके से ग्रो करती है, उस तरीके से यहाँ पर जो है एक टीम को ग्रो करने का मुझे मौका मिला। और एक क्वेश्चन बहुत ही लोगों को लगता है कि इस बिजनेस के अंदर द टीम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट टीम का इम्पॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो वो आप हैं। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस बिजनेस। उसका रीजन ये है कि आज भी याद आता है, मैंने सालों साल अपने खाली गाड़ी अपनी टीम के घरों के नीचे लगा करके उनको बिठा करके ऑफिस तक पहुंचा हूं। और ये मैंने एक दिन दो दिन नहीं कराया, मैंने सालों कराया, और मैंने बिना स्वार्थ के कराया। और हम ही वो लोग होते हैं जो पहले ऑफिस पहुंचते हैं, बाद में लोगों को बुलाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेन चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो हम हैं। दूसरा एक और कंटेंट मैंने जो महसूस करा, जो मुझे कुछ दिनों पहले, मैंने बड़े आराम से इन चीजों को एनालाइज करा, 3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और वो 3 कंटेंट ये रहे, तो मैं बहुत एंथुजियास्टिक था, बहुत जोशीला था, आज भी बहुत जोशीला हूं। और जो हमारा एंथुजियाज्म होता है ना, अक्सर ना वो ना एक दौड़ की तरह होता है। कुछ लोग ना सिर्फ जोश दिखाते हैं 100-200 मीटर की दौड़ने के लिए, जिसे स्प्रिंट रेस कहते हैं, और कुछ लोगों के अंदर तो जोश होता है ना वो होता है मैराथन रेस को जीतने का। तो वो जो जोश होता है ना, वो जोश इस बिजनेस के अंदर बहुत काम आता है। तो दैट एंथुसियाज्म जो है मुझे बहुत, मैं अपने अंदर बहुत भर के रखता हूं, और मैंने पहले दिन से आज तक उसे कायम रखा।
दूसरी चीज मेरी लाइफ में एक चीज ने बहुत रोल प्ले करा, दैट इज कमिटमेंट. यू नो कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपने जो चीज अपने आप में कमिट कर ली वो आप कमिटमेंट करके उसे काम करिए. अक्सर कमिटमेंट के साथ दो चीजें उसको तोड़ने के लिए आती हैं जिसका नाम फीलिंग्स और इमोशंस होता है. अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कमिटमेंट से बाहर रखेंगे तो काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा. एक कन्विक्शन जिसके बारे में भी मिस्टर राजन ने भी बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनडाउटली फेथ, किसी सिस्टम के ऊपर एक अनडाउट फेथ होना और एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम सभी लोग अपने सपनों की जिंदगी को जीना तो चाहते हैं, सभी लोग अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन हमें उस सपनों की जिंदगी को जीने के लिए वो दिन भी जीने पड़ सकते हैं जो कि कोई जीना नहीं चाहता. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी ना कभी आपको ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ता है जब आपको लगता है कि आपने कौन सा फैसला ले लिया, और उस समय आपका डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. एंड यू नो द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लर्न, रेस्ट ऑल द प्लेसेस यू नीड टू टीच. एक वही जगह है जहां पर आप सिर्फ सीखते हैं, बाकी दुनिया में हर जगह आप सिखाते हैं. तो जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग लेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं. सो दीज आर सम मेजर फैक्टर्स. थैंक यू. आनंद जी, मेरे को आपकी बात से ना वो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है. अच्छा. एक बार मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. यस यस यस. ओके. सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो आपने बोला, पैशन, एक्साइटमेंट, ट्रेनिंग, लर्निंग और कैपेसिटी टू ओवरकम चैलेंजेस, या चैलेंजेस को साइड पे रख के अपने वाय के सहारे आगे बढ़ते चले जाएं. सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है कि आप हौसला ना छोड़ें और जो आपके टास्क हैं वो करते चले जाएं और सक्सेस अवश्य मिलेगी. अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ेगा. जरूरी नहीं है हर कोई बुरे दिनों से गुजरे, बट अगर किसी को बुरे दिन आते हैं या कोई अच्छी सक्सेस नहीं मिलती तो उसको ये मान के आगे चलिएगा कि सक्सेस बस जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. तो अपने आप को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करके रखना, सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में भी, लाइफ में इन जनरल भी. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. सो लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन. आनंद जी, आपने भी इतने साल अपनी लाइफ के इस बिजनेस में लगाए हैं, जैसे आपने बोला कि आपने अपने बेस्ट ईयर्स इस बिजनेस को दिए हैं, बट मेरे हिसाब से अभी आपका बेस्ट आना बाकी है. तो जो अभी आपका बेस्ट आगे आना बाकी है उसके लिए आप अपने लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आप अपनी कैसे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? क्वेश्चन सर बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब थोड़ा थोड़ा टेक्निकल दूंगा. वो है ना, द बेस्ट अबाउट दिस बिजनेस इज ऑल्सो द वर्स्ट अबाउट दिस बिजनेस, दैट इज कम्फर्ट जोन. इस दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बेस्ट यू नो जो क्रंच है वो ही इसका कभी कभी वर्स्ट बन जाता है, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं. तो जिसके लिए लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तड़पते हैं, तो जैसे ही थोड़ी इनकम मिलनी शुरू होती है तो रजाई भी वही लोग ले लेते हैं बड़ी जल्दी, यू नो सोने की इच्छा भी उनकी हो जाती है. सो आई जस्ट मैंने भी अपने आप को थोड़ा कम्फर्ट जोन से यू नो बाहर निकाला है पिछले कुछ वर्षों में. आए गेट इन अ सम कम्फर्ट जोन, फिर थोड़ा कुछ चैलेंजेस भी मेरे जीवन में आए, मैंने उनको सब चीजों को अब ओवरकम करके बहुत अच्छे से काम करना शुरू करा है. और अभी तो समय आया है, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब किसी भी दुनिया में जब जब विपरीत दिशा में कुछ कुछ उल्टा चला है तो तब तब हम लोगों को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहते हैं. सो पिछले 2 सालों में जितना रिकॉग्निशन, जितना पहचान नेटवर्क मार्केटर्स को मिली है शायद दुनिया में उतने आज तक 20 सालों में कभी भी नहीं मिली थी, क्योंकि यही एक बिजनेस है जो कि रिसेशन प्रूफ था और उसने अपने आप को साबित भी कर दिया. आज हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हर जगह पर जहां पर दुकानें, कारोबार, फैक्ट्रियां सब बंद थी, केवल यही बिजनेस था जहां पर हम घर में कर भी रहे थे, खुश भी थे और अपने पैसे, अपनी इनकम भी अर्न कर रहे थे. एंड आई बिलीव के अब समय बहुत अच्छा है और मैं फॉरएवर बिजनेस को 21st सेंचुरी बिजनेस बोलता हूं, और 21st सेंचुरी बिजनेस इज अ वेरी फ्रेश एंड वेरी लाइवली बिजनेस, और ये धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है और मैं इसे बड़े जोश और जुनून के साथ लोगों तक लेके जा रहा हूं. और यू नो मेरे साथ भी थोड़ा एक चैलेंज रहा कि मैं ऑफलाइन ट्रेनर बहुत अच्छा था, अपने आप में विश्वास करता हूँ. आई एम वेरी स्पेशलाइज्ड इन वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स फॉर डेज एंड डेज, हजारों लोगों को बिठा करके तीन तीन एक कमरे में तीन तीन दिन तक कमरे में बंद रखना और उनके साथ बिजनेस करना, उनको ट्रेनिंग देना. नाउ आई एम टर्निंग इनटू सोशल मीडिया, मोर ओवर आई एम एक्टिव इन द सोशल मीडिया, मैं एक्टिव हो गया हूँ. आई हैव डूइंग सम यू नो वेरी ओपन ट्रेनिंग्स ऑन इंस्टाग्राम लाइव, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ.
एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड लीड्स एंड वेरी गुड प्रोस्पेक्टिंग, और इससे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इमेज को बहुत अच्छा यू नो लोगों को जानने का मौका मिलता है, हमारी इंडस्ट्री की, हमारी ओवरऑल फॉरएवर की इमेज बहुत अच्छा मौका मिलता है आगे बढ़ने का. एंड मैं अभी इस बिजनेस के अंदर शफायर मैनेजर हूँ, एंड आई बिलीव कि आने वाले कुछ महीनों में मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इंडिया में डायमंड शफायर मैनेजर जरूर बनूंगा, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू दैट लेवल ऑल्सो. ओके, लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया हरीश सर के नेट के साथ. सो मुझे तो और मौका मिल गया आप लोगों के साथ बात करने का. सो दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है. एंड आज जो ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज जो है ये और आगे बढ़ेगी. और आप लोगों ने आज के दिन में अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट आए थे, ही इज अ वेरी गुड सीनियर और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, मिस्टर राजन को. एंड यू नो इसके बाद भी एक जेंटलमैन आएंगे आप लोगों के साथ, अपनी बातों को साझा करेंगे. सो माई वर्क इज डन एंड आई बिलीव दैट माई टाइम इज ओवर. थैंक यू हरीश सर फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड आई बिलीव नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल इन्वाइट मी, आई विल डेफिनेटली कम एंड शेयर मोर एंड मोर एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस. वेल आनंद, आई थिंक आपने क्रक्स अपना दे दिया है अपने हमारे ट्रेडिशनल लीडर्स के लिए, दैट यू नो आज का माहौल जो कोविड का माहौल रहा है उसमें हमें बहुत एक्सेप्शनल चैलेंजेस आए हैं. पिछले 100 साल में ऐसे चैलेंजेस नहीं देखने को मिले जो हमें इन 1.5 सालों में फेस करने पड़े हैं. और इनको कोप अप करने के लिए मेरे हिसाब से अब जब ये ठीक भी हो जाएगी स्थिति, उसके बाद भी लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन. मतलब बहुत सारी चीज़ें परमानेंटली बदल चुकी हैं, बहुत सारी लाइफ के हमारे बाइंग के तरीके, हमारी ऑनलाइन सेलिंग के तरीके, सब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं आज के माहौल में. तो अगर हम उस माहौल के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो हमारा स्टैग्नेशन बिल्कुल सामने है. तो समय के साथ बदलना और समय की नज़ाकत को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट? सो थैंक यू आनंद, थैंक यू फॉर गिविंग अस एंड द लिसनर्स दीज वर्ड्स ऑफ विजडम. मुझे लगता है डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस का रिएक्शन हम ये सीरीज इसी तरह आगे कंटिन्यू रखेंगे. आप लोगों से और बहुत सारे सवालों की गुफ्तगू करते रहेंगे और नए नए लीडर्स को इस फोरम पे लाते रहेंगे. अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे लीडर की तरफ. ये एक यंग और डायनेमिक लीडर हैं, यंगस्टर हैं, अभी पिछले 5-6 साल से ही हमारे FLP बिजनेस में एक्टिव हुए हैं. ये एक पंजाब के एक छोटे से विलेज से हैं, फिरोजपुर के पास है इनका विलेज. ये एग्रीकल्चरल फैमिली को बिलोंग करते हैं. इनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम था, ये 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़े हैं, बट इनकी जो पिछले 7-8 साल में इनकी अचीवमेंट्स हैं वो देखते ही बनती हैं. उन्होंने MR में अचीवमेंट किया, EMR अचीव किया, कार प्लान अचीव किया है, चेयरमैन बोनस अचीव किया है, एंड ग्लोबल रैली. तो पिछले 7-8 साल के छोटे से सफर में उन्होंने बहुत लंबा रास्ता इख्तियार किया है और बहुत आगे तेजी से बढ़े हैं. मेरे ख्याल से आप सब उनको सुनने के लिए बेताब होंगे विदाउट एनी डिले. सो लेट अस इनवाइट मिस्टर इकबाल सिंह. नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच. नमस्कार इकबाल जी. आई थिंक आपका जो समय है वो थोड़ा हमारे सीनियर लीडर्स ने थोड़ा सा कट कर दिया है, बट हम आपको पूरा समय देंगे बिकॉज मुझे मालूम है कि आपके बहुत फैंस हैं और आपकी शॉर्ट टर्म की सक्सेस के राज जानने के लिए वो बेताब होंगे. बट उससे पहले अभी हमारे सीनियर लीडर्स ने 20 साल पुराने प्रेम राजन जी ने, 15-16 साल पुराने आनंद गांधी जी ने, इन्होंने अपने अपने उस समय के रीजंस बताए कि इन्होंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया. आपने करीबन 7-8 साल पहले फॉरएवर ज्वाइन किया. हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके क्या कारण रहे हैं फॉरएवर ज्वाइन करने के. आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। आई थिंक दोस्तों किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। कोई बात नहीं इकबाल, अभी आपसे हरीश सर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि जिस तरीके से हमने 18, 19, 20 साल पहले फॉरएवर को ज्वाइन किया, हमारे कुछ स्पेसिफिक रीजन थे। आपने अभी इस बिजनेस को 5-6 साल पहले ही ज्वाइन किया है, तो आपके क्या रीजन रहे इस बिजनेस को ज्वाइन करने? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को इस बिजनेस में 8 साल हो चुके हैं। मैंने 2013 में फॉरएवर बिजनेस शुरू किया था और बेसिकली मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। स्टडी के साथ मेरा शुरू से नहीं बनता था, मैं प्लस टू ड्रॉप आउट गए और जैसे ही मतलब 17 साल की एज में मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गया था फादर के साथ। 2 साल मैंने एग्रीकल्चर किया। आफ्टर दैट मतलब मुझे शुरू से था कि यार मुझे कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। और जैसे अक्सर हर यंगस्टर्स के ना सपने बड़े होते हैं, मतलब उसको हर चीज बड़ी चाहिए, उसको गाड़ी बड़ी चाहिए, घर बड़ा चाहिए, उसको कपड़े ब्रांडेड चाहिए, है ना, उसको ट्रेवल करना है। ये सारी चीजें, मेरे भी बहुत सारे ऐसे शौक थे पर मैं उन्हें पूरा भी करना चाहता था। तो खैर मेरे फादर के पास एग्रीकल्चर लैंड अच्छा था, ठीक था, बढ़िया था, बट डेट भी बहुत बड़ा था हमारी फैमिली के ऊपर। तो 2 साल जब मैंने एग्रीकल्चर किया, मुझे था कि मैं एग्रीकल्चर में कुछ बड़ा करूंगा। 2 साल वहां खूब सारी मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि यार शायद यहाँ वो नहीं हो सकता जो मैं करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि किसी बिजनेस में स्विच करते हैं। तो मेरे फादर के पास फिशिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने फिशिंग लाइन में एक बिजनेस शुरू किया। वो मतलब मेरे फादर साहब को मेरी एडवाइस थी, जिसमें करीब करीब हमने इवन लोन लेके 45 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी 2011-12। तो वो 2 साल वहां मैंने बड़े एफर्ट्स किए, बड़े नए नए आइडियाज के ऊपर काम किया, बट मतलब जब फिनिश हुआ हमारा वो टेंडर तो वहां 10 से 12 लाख का लॉस हुआ। आफ्टर दैट मेरे गांव से मेरे दोस्त हैं मिस्टर यादविंदर सिंह बराड़, तो उन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में बताया। जब सबसे पहले मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को प्रॉपर देखा, तो उससे पहले ना तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, और ना ही मैंने कभी किसी कंपनी के बारे में सुना था। मतलब मेरे लिए कंसेप्ट बिल्कुल न्यू था। बट जब मैंने पूरा सिस्टम देखा, तो जो मेरा पास्ट बिजनेस था उसमें भले मैं पैसे नहीं कमा पाया, बट मैंने उसमें सीख बहुत कुछ लिया था कि एक बिजनेस कैसे शुरू होता है और उसमें क्या क्या आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं। जब मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस देखा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यार यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिल रही है जो पास्ट बिजनेस में मेरे मेरे को खुद क्रिएट करनी पड़ी थी, राइट। तो मैंने देखा कि एक ऑलरेडी बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट्स बने बनाए हैं, सिस्टम्स बने बनाए हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज मेरे को पूरी नहीं करनी है। प्लस मतलब जब मैंने प्रॉपर समझा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको अपना 2CC कंप्लीट करना और आप एक सीरियस बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो उस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। उस वक्त 25,000 की शॉपिंग करके 2CC कंप्लीट हो जाता था, तो मतलब मेरे को वो सबसे बेस्ट लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ 25,000 की मेरे को शॉपिंग करनी है, वो भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं और मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो और फॉरएवर लिविंग का जो पूरा प्रोफाइल मैंने देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, जो फॉरएवर लिविंग के वो स्टैंडर्ड, उस वक्त फॉरएवर लिविंग को 35 साल हो चुके थे, 2013 की बात है, 35-year-old कंपनी, अमेरिकन ब्रांड है, ये सारी चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो खैर उस वक्त मेरे गांव में हम वो पूरा बिजनेस देख रहे थे, तो सब ऑफलाइन होता था उस वक्त, तो ऑनलाइन वाली चीजें नहीं थी। तो यादविंदर सर ने मुझे बोला कि हम नेक्स्ट डे कंपनी ऑफिस चलेंगे, मैंने बोला ठीक है रेडी है। जब मैंने मोहाली कंपनी ऑफिस विजिट किया, वहाँ कंपनी ऑफिस विजिट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे। मैंने देखा कि यार हाँ काम तो चल रहा है, तो प्लस कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा, तो मतलब वहां मेरा बिलीव हो गया कि यार हाँ अगर ये इतने लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं तो मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ। तो बाकी मेरे को सबसे बेस्ट यहाँ ये लगा कि लास्ट बिजनेस में मैंने 2 साल मेहनत भी करी
और लोन लेके इन्वेस्ट किया था, उसमें ही लॉस हुआ, दो साल भी गए है ना, तो यहाँ वो सारे, यहाँ मतलब वो सारे रिस्क नहीं थे। दैट्स द रीजन कि मैंने फॉरएवर को चूज किया। सो इकबाल, नॉर्मली लोगों के रीजंस रहते हैं, सो आपको जो कंपनी की बैकग्राउंड है, कंपनी का वर्किंग स्टाइल है, जो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो जो ये फैक्टर्स थे, इन्होंने आपको इसका मतलब काफी अट्रैक्ट किया कंपनी की तरफ, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में लॉस लगा, जिसके बाद आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने का रीजन मिला, तो असेंशली कहीं ना कहीं आपको ये नजर आया कि अगर आपके फ्यूचर के जो सपने पूरे कर सकते हैं, तो FLP आपके वो सपने पूरे करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आई थिंक दैट इज द समरी ऑफ योर जो भी कह रहे हो। तो मैं अपने लिसनर्स को ये थोड़ा कहना चाहूंगा कि अगर इकबाल सिंह जैसा सक्सेसफुल FLP आज की डेट में 8 साल की जर्नी में सक्सेस अचीव करके कंपनी के प्लेटफॉर्म को इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग मानता है, तो प्रोबेबली बहुत सारे लोग आज की डेट में एक 42-43 साल पुरानी कंपनी जिसका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग उसके शक के दायरे में आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह लगा देते हैं। तो आई थिंक अब इनकी जर्नी सुन के आपको ये तो क्लैरिटी आ गई होगी कि जो कोई भी व्यक्ति उन क्वेश्चन मार्क से, उन शक के दायरों से जूझ रहा है, जो उनको किसी ना किसी अन्य व्यक्ति ने एज ऑब्स्टेकल्स बता दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपना, जैसे हमने गांधी जी की बात सुनी, प्रेम राजन जी की बात सुनी, अपना वाई, अपना डिजायर, अपना विश स्ट्रॉन्ग करते हुए उन चैलेंजेस से आगे बढ़ के अपने सोल्यूशंस ढूंढते हुए आगे बढ़ना है सक्सेस के रास्ते। इकबाल, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म मिला, आपका एक्साइटमेंट था, आपका काम करने का नजरिया था, हार्डवर्क था, वो चीजें तो थी, बट FLP में जो आज आपने 8 सालों में अपने शॉर्ट करियर में सक्सेस पाई, उसके कुछ बेसिक कारण, उसके बेसिक स्टेप्स आप अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा मानना है, अक्सर लोग ना प्रॉब्लम से भागते हैं, मैं ये मानता हूँ द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द मोर यू ग्रो, राइट? जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम जिंदा हैं प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कहीं भी भाग लो ये आनी आनी है। जो लोग ज्यादा ग्रो करते हैं, मेरा मानना है जो लोग अपनी लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ग्रो करते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो लोग कम ग्रोथ ले पाते हैं, बिल्कुल नहीं ले पाते, वो कम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, बस इतना ही है, राइट? और मैंने एक तो अपने आप के ऊपर बहुत समय इन्वेस्ट किया, दूसरा जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे थे मैंने उनके ऊपर भी बहुत समय इन्वेस्ट किया, क्योंकि देखो हर बिजनेस लोगों का बिजनेस है, जितना आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और लोगों के दिलों पे आप अपनी छाप छोड़ेंगे ना, तो उतना ही बिजनेस आपका अच्छा बढ़ता जाएगा। और पेशेंस तो ऑफ कोर्स अगर आपको एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मसाले से पका हुआ आम और एक नेचुरली पका हुआ आम, उन दोनों के टेस्ट में और उन दोनों की जो गुण है उसमें फर्क होगा ना। जैसे 9 मंथ लगते हैं एक बच्चा पैदा होने में, 9 मंथ में डिलीवरी होता है, कई केसेस में 7 मंथ में हो जाता है, पर 2 मंथ बच्चा मशीन में रखना पड़ता है ना। तो सो पेशेंस बड़ा जरूरी है अगर आपको रियल बिजनेस बिल्ड करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत लोग आते थे, शुरू करते थे, इन बिटवीन क्विट करके चले जाते थे, बहुत सारे लोग शुरू करने से पहले क्विट कर देते थे, बहुत सारे लोग कुछ समय चलते थे और फिर क्विट कर देते थे, तो ये मेरे साथ भी चलता रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर, मतलब मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे सब मेरे को नेगेटिव करने वाले थे, मतलब कोई भी बंदा मुझे अप्रिशिएट करने वाला नहीं था सिवाय उस पर्सन के जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था और यहाँ जो मेरी जितनी भी अपलाइंस थी। तो करते करते एक पर्सन मेरे साथ 2014 में, जब मुझे 1 साल इस बिजनेस में हो चुका था, मिस्टर जसप्रीत सिंह बराड, और उसके बाद मतलब और भी मैं बहुत रिक्रूटमेंट करता गया, लोगों को सपोर्ट करता गया, कुछ आते गए कुछ चले गए,
तो जसप्रीत इज द गाय जिसने मेरे साथ पूरी जिंदगी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। तो 5 साल मैंने जसप्रीत के ऊपर इन्वेस्ट करे और आज जसप्रीत मेरी सबसे बड़ी रॉयल्टी है और आज मेरे पास 4 मैनेजर लाइंस है। मतलब मेरे 8 साल के करियर में मैंने 4 लोगों को बिल्ड किया है, राइट। एक्चुअल में मतलब मैंने 4 लोगों के ऊपर अपना समय लगाया और वो 4 लोग आज मेरी बहुत बड़ी रॉयल्टी है। मेरे लास्ट जो फाइनेंशियल पैंडेमिक ईयर निकल के गया तो मैं यहाँ एक चीज बतानी चाहूंगा। आप सबने ना बैम्बो ट्री की स्टोरी सुनी होगी और बहुत सारे लीडर्स के थ्रू अलग अलग तरीके से सुनी होगी, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2013 से लेकर 2019 तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कैन यू बिलीव 2020 में जितनी भी सारी अचीवमेंट्स है ना वो सारी की सारी 2020 में हुई, वो भी उस टाइम में जिस टाइम पूरी दुनिया नेगेटिव हो रही थी और पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसा चैलेंज था जो इससे पहले कभी आया नहीं था, COVID-19। और लास्ट फाइनेंशियल पैंडेमिक ईयर में मेरे अकाउंट में फॉरएवर लिविंग की तरफ से 1 करोड़ ट्रांसफर हुआ है। मतलब वो 1 साल ने पिछले सारे सालों की कमी पूरी कर दी और इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ। मतलब आज एक बहुत सॉलिड टीम है। तो दोस्तों पेशेंस बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में रहना होगा, राइट। लोग आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो लाइफ टाइम आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, पर आपका खड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका अपने आप के ऊपर भरोसा होना और आपके साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू बी पीपल बिलीवर क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। मैं सर आपका माइक ऑफ है। माइक समरी ये हो गई कि एक तो सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और इस बिजनेस में जैसा आपने बोला कि आपने इतने सालों में 4 मैनेजर्स अपने बिजनेस में बनाए, तो हर व्यक्ति जो आपको ज्वाइन करेगा वो मैनेजर नहीं बनेगा, ये अपने माइंड में हमें धार के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो जुनून इस बिजनेस के लिए चाहिए, जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन इस बिजनेस के लिए चाहिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के लिए चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि जो हर कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है वो उसमें हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग, कहीं ना कहीं उनका जुनून, सब मिलके जो एक पैशन क्रिएट करेंगे उसी से सक्सेस क्रिएट की जा सकती है। एम आई राइट इन समराइजिंग जो आपने बोला? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब अपने आते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। अपने अब जैसा आपने बोला कि आपने 2020-21 में जो सक्सेस पाई उसकी नींव आपने उसके पहले 3-4 सालों में रखी थी, अभी आपका जो बेस्ट है वो तो अभी आना बाकी है, जो अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो अपने फ्यूचर के लिए आज आप ऐसा क्या कर रहे हो, फ्यूचर में अपने आप को क्या देख रहे हो और ऐसे क्या नए नए तरीके आप अपना रहे हो जिससे कि आप अपना फ्यूचर और ब्राइट देखते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो जब से ये दुनिया बनी है इस दुनिया में बहुत सारे चेंजेस है ना। मतलब आज हम 21st सेंचुरी में हैं और मतलब बिलीव मी हर सेकंड में ये पूरा वर्ल्ड अपग्रेड हो रहा है। मतलब इतनी सारी नई नई चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है पीछे वही लोग रहते हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करते, राइट। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए रुकी नहीं है, दुनिया चेंज होगी, राइट। नई नई चीजें आएंगी, नए नए तरीके आएंगे। तो इससे पहले भी जब मैंने शुरू किया था हम ऑफलाइन वर्किंग करते थे और उसके बाद जैसे हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो इनिशियली बड़े चैलेंज थे और इवन कोई विश्वास करने को रेडी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जो ओल्ड वे था उसमें क्या था, हम एक बंदे को बिजनेस प्लान दिखाते थे, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद हम उसको कंपनी ऑफिस विजिट कराते थे, कंपनी ऑफिस विजिट करा के कुछ ट्रेनिंग लगाते थे, राइट। उसके बाद जाके हफ्ता 10 दिन बाद कहीं ना कहीं उसकी ज्वाइनिंग हो पाती थी, मतलब काफी लॉन्ग प्रोसेस था। तो कोई विश्वास करने को रेडी नहीं था कि आप बंदे को बिना मिले कैसे आप ऑनलाइन लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे कोई ज्वाइन करेगा। बट हमें बिलीव था, हम लगे रहे 2018-2019 2 साल हमें बेस बनाने में लगे। तो 2020 में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ ली ऑनलाइन। मतलब आज हम फुली डिजिटलाइज्ड बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हम टेबल मीटिंग बिल्कुल भी नहीं करते।
हम ऑनलाइन ही लोगों से कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन उनको बिजनेस दिखाते हैं, ऑनलाइन उनको ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, ऑनलाइन ही उनको डेवलप करते हैं। तो देखो अगर हमने कुछ नया किया, ग्रोथ हुई, आज के समय में बहुत सारे हमारे लीडर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, पूरा एफ एल पी इंडिया अच्छा ग्रोथ ले रहा है, इवन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आज इंडिया में ऑनलाइन आ रहे हैं ना, तो सो आगे भी हमें चेंज करना होगा, नई नई चीजें करनी होगी, और जब हम नई चीजें करेंगे तो दोनों चांस है, फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, अगर हम फेल होने से डरेंगे तो पास कभी होंगे नहीं। तो सो न्यू चीजें ट्राई करके हम यहाँ पे पहुंचे, आगे भी ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें हम करेंगे। तो मेरा यही सबको मैसेज है कि आप भी अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में चीजें बदल चुकी हैं। इकबाल, बेसिकली आपका मैसेज है चेंज इज द नेम ऑफ द गेम, समय के साथ जो आदमी नहीं बदलेगा वो वहीं रह जाएगा। आप सब लोगों ने शायद डायनासोर्स का नाम सुना होगा, जो डायनासोर्स हुआ करते थे आज से लाखों करोड़ों साल पहले, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, क्योंकि जो उनका शरीर था वो जो जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे हवा पानी का रुख बदला, जैसे जैसे ज्योग्राफिकल चेंजेस आए, उनका जो शरीर है और उनका दिमाग वाला हिस्सा तो बहुत छोटा था, तो जो उनका जो दिमाग है, जो ह्यूमन बींग्स का दिमाग है, वही सबसे ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ और शक्ति माना जाता है, क्योंकि हम अपने दिमाग से वो चीजें भी अचीव कर सकते हैं जो आज हमें नजर नहीं आ रही, हम फ्यूचर को विजुलाइज कर सकते हैं। अब डायनासोर्स आज एक्सटिंक्ट हो गए, आज दुनिया से उनका नामो निशान मिट गया, वो इसी कारण मिट गया कि जो उनका शरीर था वो आज के समय के लिए, आज के माहौल के साथ चेंज नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। जब भी हम इस चीज की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, सबसे पहले हम डायनासोर्स का एग्जाम्पल इसीलिए रखते हैं क्योंकि इतने बड़ी बड़ी विशालकाय उनकी बॉडी थी, और उस समय ऐसा था जब लोग सब उससे डरते थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है, ऐसे जीव जंतु थे। तो उसी तरह हम जब ऐसी बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि भैया कहीं डायनासोर मत बन जाना, तो आज आई थिंक इकबाल का भी मैसेज यही है कि भैया डायनासोर्स मत बनो, इंसान बनो, आदमी बनो, बिकॉज इंसान का दिमाग जो है वही उसकी शक्ति है, और वही शक्ति से आप फ्यूचर को विजुलाइज कर सकते हो। फ्यूचर को विजुलाइज करते हुए अगर आज अपने आप को आप चेंज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसा कि इकबाल ने अगेन बोला कि 2020-21 की जो नींव थी 2016-17 में पड़ गई थी, उन्होंने ये नहीं विजुलाइज किया था कि कोविड आएगा, पैंडेमिक आएगा तो हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, वो वैसे ही वो टेक्नोलॉजी को ये सोचते हुए कि ये फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है वो उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे थे। वो कोविड पैंडेमिक एक ऐसी घटना या दुर्घटना हुई जिससे कि वो चीज का इम्पैक्ट एकदम से मल्टीप्लाई हो गया और उसका एडवांटेज एकदम से, बिकॉज सारी दुनिया एकदम से डिजिटल हो गई, तो उसका फायदा उनको मिला। आनंद जी ने भी यही बोला कि वो अपने बिजनेस को डिजिटल कर रहे हैं, इकबाल ने भी यही बोला, और प्रेम राजन जी ने भी बोला कि वो भी अब पिछले साल स्ट्रगल करते रहे अपने पुराने तौर तरीकों से, बट इस साल वो अब तैयार हैं नया डिजिटल तरीके से बिजनेस करने में। तो अगर आप तीनों पैनलिस्ट को आज समरी करके सुनेंगे, अगर आप फ्यूचर अपना देखते हैं, अगर आप डिजिटल तरीके नहीं अपनाते, अगर आप अपने फ्यूचर रिक्रूट्स को डिजिटल तरीका नहीं सिखाते, ऑनलाइन वर्किंग नहीं सिखाते, तो ना तो आपको सक्सेस मिलेगी और ना ही जो आपको साथ में ज्वाइन करते हैं लोग उनके सपने पूरे करने में आप कामयाब रहेंगे दोस्तों। सो आप जैसे आपने देखा 1.5 साल से नवाज मैम नहीं आ पाई इंडिया में, बट उन्होंने एक डिजिटल तरीके से हमें मैसेज दिया, हम लोगों के लिए, हमारी कामयाबी के लिए उन्होंने प्रे किया, रेक्स जी का मैसेज दिया, और ये सारी चीजें आई थिंक अब ये फ्यूचर जो है डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन से चलेगा। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों किसी की बात सुन रहा था, वो कहते ये बिजनेस पहले बिजनेस ऑफ टच था, आपस में मिलजुल के एक दूसरे की पीठ थपथपा के काम करने वाला बिजनेस था, तो ये बिजनेस हैज चेंज्ड फ्रॉम बिजनेस ऑफ टच टू बिजनेस ऑफ टेक। सो टच की रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी ने, सो इस बिजनेस में जो कि टच से चलता था अब टेक्नोलॉजी से चलेगा दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी सीखना और उसको यूज करना
हमारे फ्यूचर की सक्सेस के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. सो दोस्तों, थैंक यू इकबाल फॉर सच एनलाइटनिंग वर्ड्स फ्रॉम सच ए यंग पर्सन. मेरे को लगता है कि आज का आपका सेशन बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा इस करियर को अडॉप्ट करने में और इसको फ्यूचर में सक्सेसफुल करने में. और इसके साथ ही आज का हमारा ये पैनल डिस्कशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ. वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द पैनलिस्ट. थैंक यू टू नवाज मैम जिन्होंने हमें स्पेशली ये मैसेज भेजा. और इस सीरीज को हम जारी रखेंगे फ्यूचर में भी, और आप लोगों से आए हुए सवालों के जवाब हम देते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे. शुक्रिया. थैंक यू. गुड नाइट. Here's what I found.